नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। एनिलीन का अनुनादी संरचना जो बनेगा उसको हम सीखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को अंसाल पेपर 2024 का पेपर कोड 347 GA का फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करा दिया था। यदि आप लोग इस सेट का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको 1x1 करके पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एनिलीन क्या होता है। यदि हम बेंजीन रिंग बनाएं और उसके ऊपर हम लगा दें NH2, तो ये होता है एनिलीन। एनिलीन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर इसमें हम कॉन्जुगेशन की बात करें तो एनिलीन में आप लोगों को कॉन्जुगेशन क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा आप लोगों को लोन पेयर, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसको सिग्मा कहेंगे, और डबल बॉन्ड है तो इसको कहेंगे हम पाई बॉन्ड, या लोन पेयर के जगह पर हम निगेटिव भी लिख सकते हैं। कॉन्जुगेशन मतलब ये होता है कि किसमें कन्वर्ट होगा, सिग्मा मतलब लोन पेयर या नेगेटिव सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और सिग्मा बॉन्ड किसमें पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ऐसे इसमें क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन इसमें मिलेगा। तो चलिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं हम लोग। यह है एनिलीन। एनिलीन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस क्यों एक इलेक्ट्रॉन है इसमें लोन पेयर, क्योंकि दो हाइड्रोजन दो बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया। नाइट्रोजन के ऑटोमोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर दो ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ गया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो लोन पेयर है ना, ये बदलेगा, लोन पेयर बदलेगा पाई बॉन्ड में, मतलब डबल बॉन्ड में बदलेगा, और ये यहाँ पाई बॉन्ड है वो बदल जाएगा लोन पेयर में। अब इसमें आगे क्या होगा देख रहे हैं आप लोग। अब ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ था, डबल बॉन्ड हो जाएगा NH2, और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड बना, तो इस पर आ जाएगा प्लस, और ये जो पाई बॉन्ड है ये बदलेगा किसमें, लोन पेयर में, तो इस पर आ जाएगा निगेटिव। अब आगे इसमें क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड है उसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे, ये इसमें बदल गया, और ये जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बदलेगा पाई बॉन्ड में, और ये पाई बॉन्ड बनेगा बदल जाएगा किसमें, लोन पेयर में। आगे इसमें क्या होगा आप लोग देख रहे हैं, इसको हम डबल हेडेड एरो से रेजोनेंस को दिखाते हैं। ये जैसे एज इट इज इसको ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर ये किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा डबल बॉन्ड में, और ये डबल बॉन्ड जो है बदला है किसमें, लोन पेयर में, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, और ये आगे यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये नेगेटिव आ गया, ये भी क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये बदलेगा पाई बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये बदलेगा किसमें, लोन पेयर में। आगे इसमें क्या होगा देख रहे हैं, और इसमें आगे हम करेंगे NH2, इसको ऐसे लिख दिया, और ये अब क्या होगा, इसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे, ये बदलेगा पाई बॉन्ड में, और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर होगा ये नेगेटिव जो है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये जो पाई बॉन्ड है दोबारा किस में बदलेगा, लोन पेयर में बदलेगा। तो आगे जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेटिंग वो बनेगा, यहाँ अगेन जैसा स्ट्रक्चर था वैसे ही हो जाएगा, ये लोन पेयर क्या होगा वापस हो गया, और ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल, और यहाँ भी डबल, ये जो स्ट्रक्चर पहले वाला है वही वाला लास्ट में क्या हो रहा है, यही मिल रहा है। अब इसका हम बनाएंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आप लोग देख रहे हैं ये जैसे रहेगा इसको वैसे रख देंगे, और ये जो डबल बॉन्ड है ये हर जगह रोटेट कर रहा है, यहाँ है फिर यहाँ से यहाँ भी है और यहाँ भी है, सब जगह है, पूरे पे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ भी बनाएंगे और यहाँ भी रोटेट कर रहा है। तो ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और निगेटिव चार्ज कहाँ है, ये आर्थो पोजिशन है, और ये भी आर्थो है, यहाँ पर ये पैरा पोजिशन है, तो इसका जो निगेटिव चार्ज है वो आर्थो पर मिलेगा आप लोग को, और यहाँ पर लोन पेयर इस पर पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, और इस पर भी आप लोग को नेगेटिव चार्ज मिलेगा। जो इलेक्ट्रॉन इसने ही आक्रमण करने वाला पोजीशन होगा वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा।
इसमें आक्रमणकारी जो इलेक्ट्रॉन इसने ही आक्रमण करेगा वो अर्थ और पैरा पोजिशन पर आक्रमण करेगा। यदि बात करें कि इसमें एनिलीन में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना है, तो कितना बना है, दो हो गया, ये तीन हो गया और ये चार और ये पांच, पांच रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनिलीन में पाया जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को जितना बताया गया समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसके आगे का सलूशन आप लोग को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।